माँ रिश्ता ही ऐसा है, माँ को सलाम है हम सबकी तरफ से। आप इतना कुछ देती हैं, इतना कुछ करती हैं हमारे लिए। शायद कभी कभी एहसास तभी होता है जब आप नहीं होती। चाहे माँ साथ हो ना हो, उनकी दुआ हमेशा बच्चों के साथ ही रहती है। बिल्कुल सही, और वही दुआएं हमें महफूज रखती हैं हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की मुसीबत से। और शायद ये हमारी अगली परफॉर्मर की माँ की ही दुआ है, उनकी माँ की दुआ का असर है जिसकी वजह से वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो बुलाते हैं अपनी अगली कंटेस्टेंट को। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शंकर का शौर्य, मिदहत हिदायत फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत खूब लता जी का, बहुत मुश्किल तरीन गाना। सुनने में आसान लगता है लेकिन गाने में इट्स वेरी वेरी टफ। हमारे मेंटर्स सामने बैठे हैं और पूछते हैं, क्योंकि शफकत भाई और शंकर जी के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो हर चीज उतार चढ़ाव हर जगह पे गौर था। सर क्या कहेंगे आप? मिधत एक जगह पे इम्प्रोवाइजेशन के चक्कर में वो नोट काफ़ी हिल गया था, और मेरा ख्याल है कि ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, यू नीड टू बी केयरफुल। But overall, you chose this song, claps for that. और आपने इसको क्या निभाया, claps for that too. Thank you so much, sir. बहुत अच्छा गाया मिदत। First part was really good. अंतरा में आप जानती हैं, मतलब आज खामियां नहीं निकालेंगे यार। आज कुछ अलग मूड है, अलग माहौल है, अलग एक अंदाज है यहाँ पर। तो बस यही आपको बेस्ट विशेज दूंगा मैं। आप बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रही हैं। वर्क हार्ड, फोकस करो, मस्ती कम करो। और माँ के ऊपर सारे गाने थे, आप बताएंगी कि ये मुझे मालूम है आपने क्यों चूज़ किया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस से शेयर करें आपने ये गाना क्यों चूज़ किया। जब मैं छोटी थी तो एसम भाई एंड श्वेता वो पीछे बैकस्टेज बता रही थी हमको कि वो इतने
दिन अपने माँ को छोड़ के कभी रही नहीं है. She has never stayed away from her mother for such a long time. मिद्दत यही वजह है, दूर है अम्मी से इसलिए रो रही है. It's okay. Midhat, be happy. Just go and call her. कभी इतना दूर नहीं रही तो इस वजह से. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वो तुम्हारा, बल्कि जो जो बच्चे यहाँ पे हैं सबका वेट उनके घर पे हो रहा है. लेकिन ये गीत आपने चुना क्यों था? जब छोटी थी तो मम्मा बोलती थी लता जी के गाने ज़्यादा गाओ, तो वो अक्सर ये गाना सुनाती थी, मैं सुनती थी. छोटी सी थी. छोटी एज बता दो, साइज ना बताओ. कि मतलब 2 फुट की थी मैं. थैंक यू मिद्दत. 3 या 5 इयर्स की थी, मतलब 3-4 साल का ऐसा था. तो जब मैं मतलब सोने लगती थी तो अक्सर मम्मा सुनाती थी, तो वो इस वजह से उनको मैंने ये डेडिकेट किया सॉन्ग. आपको जिस याद दिला दूं, अभी भी आप छोटी हैं. और मिद्दत आप बहुत ही, जो आपकी मासूमियत है ना, आप यकीन करें सिर्फ हम यहाँ पर एंजॉय नहीं करते, बल्कि टेलीविजन के उस पार ये कैमरे से सिर्फ जो लोग देख रहे हैं वो